हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने वेबकिट व्यवसाय में जो सबसे लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं बैक होम टॉप का यहाँ पे जो कोड लगा हुआ है, तो ये कोड आप कैसे लगा सकते हैं अपनी वेबकिट व्यवसाय में, तो वही आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कोड जो है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके कि वहाँ पर इस कोड को आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोड को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में आप इसको ओपन करके जो टेक्स्ट वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, तो उस टेक्स्ट को दूसरा वाला टेक्स्ट होगा उसको आपको केवल कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि आप कहाँ पे पेस्ट करेंगे, जिससे जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं होम बैक टॉप का यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे शो करे, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे सॉन्ग का जो सबसे नीचे होगा बैक होम टॉप का यहाँ पे आपका जो कोड होगा यहाँ पे इस तरह से शो होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बैक होम टॉप का है, अगर होम पे कोई क्लिक करता है, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे वो जा सकता है। तो इस तरह से आप अपना कोड लगा सकते हैं होम बैक टॉप का, ठीक है दोस्तों। तो ये कोड कैसे लगाएंगे वही आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया हूँ कि वेबकिट की वेबसाइट में कैसे लॉगिन होते हैं और 25 GB फ्री होस्टिंग के साथ में आप वेबसाइट कैसे बनाते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, लेटेस्ट अपडेट का कोड कैसे लगाते हैं, सॉन्ग कैसे यहाँ पे अपलोड करते हैं, सब कुछ मैंने कई सारी ऐसी वीडियो है उनमें वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, अगर आप नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर जा करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, अपनी फ्री होस्टिंग 25 GB स्पेस के साथ में अपनी DJ वेबसाइट बना सकते हैं, उसमें आप अपना ऑडियो वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि आप किस तरह से आप अपनी वेबकिट की वेबसाइट में होम बैक टॉप का कोड यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे होम बैक टॉप कोड लगाने के लिए सबसे यहाँ पे क्या करना क्या है, आपको सबसे यहाँ पे नीचे आ जाना है, ठीक। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एडिट पेज लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो 0 के ऊपर आपको यहाँ पर 0 हटा करके यहाँ पर लिख देना है आपको -2, ठीक है, -2 जंप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा, यहाँ पर आपको पेज के ऊपर क्लिक करना है, HTML/टैग को लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक कर देना है। जो मैंने आपको कोड दिया हूँ उस कोड को आपको डाउनलोड कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे ओके के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपका कोड यहाँ पर लग चुका है, प्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फुल वेबसाइट पर जाना है, तो यहाँ पर आपको 0 टाइप करना है, जंप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो होम बैक टॉप का कोड है यहाँ पे लग चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी वेबकिट की व्यवसाय में होम बैक टॉप का कोड यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना यूट्यूब चैनल का यहाँ पे सब्सक्राइब बटन कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम किसमें रनिंग टेस्ट कोड कैसे लगा सकते हैं और फॉलोअर्सन यानी कि फेसबुक का अगर आप यहाँ पर लिंक देना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं, सब कुछ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिर लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इस वेबसाइट को आप गूगल में कैसे सबमिट कर सकते हैं, जिससे कोई सर्च करे तो आपकी वेबसाइट वहां पे शो करे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।